तो हाल फिलहाल में दोस्तों अभी एक और न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी सुना जा चुका है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये है हीरो के ही अपकमिंग जूम 125 के बारे में। मतलब कि अभी ये में बोला कुछ ऐसा ही चला कि ये जो हीरो कंपनी है ना, तो इनकी तरफ से जूम 125 नाम से एक न्यू स्कूटर आने वाला है, जिसके अंदर हमें कुछ जो न्यू पावर्स है तो वो कुछ देखने को मिलेगा, और उसके ही साथ साथ और भी कई सारे कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकन ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो हाल फिलहाल में दोस्तों अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आ चुका है, जो कि है हीरो के ही जूम 125 के बारे में। और अभी के रेट में कुछ ऐसा ही सीन है कि ये जो हीरो कंपनी है ना, तो इनकी तरफ से 2023 में ही लॉन्च करने का एक प्लान है जूम 125 का। और अभी के रेट में कुछ बोला यही जा रहा है कि ये जो जूम 125 वाला जो ये स्कूटर है ना, तो इसके अंदर आपको जो मेनली चीजें जो चेंजेस होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, तो वो है इसी न्यू जूम 125 के अंदर एक न्यू इंजिन जो कि 125 सीसी वाला होने वाला है। हाँ, वैसे तो ये जो 125 सीसी वाला इंजन है तो ये के सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल इंजन ही रहेगा, लेकिन फिर भी अभी के डेट के अगर जूम की तरफ देखा जाए तो उससे तो भाई पावरफुल ये इंजन रहेगा। मतलब अभी के डेट में जो जूम के अंदर जो इंजन देखने को मिलता है ना, तो वो एक 110 सीसी वाला एक जो इंजन है तो वो ही है। लेकिन हाँ, अभी के डेट में जो जूम 125 के बारे में बोला जा रहा है ना, तो वो है कि 125 सीसी वाला जो इंजन जूम 125 के अंदर जो देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर आपको जो पावर है ना, तो वो भी जूम 110 के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। और अभी के डेट में कुछ एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये जो जूम 125 वाला जो स्कूटर है ना, तो इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर है तो वो भी 9 से लेके 11 bhp के अंदर जो है तो वो कुछ देखने को मिलेगा, और उसके ही साथ साथ जो मैक्सिमम टॉर्क है ना, तो वो भी 9 से लेके ही 11 nm के अंदर जो है तो वही कुछ देखने को मिलने वाला है। बाकी तो अभी ये भी कुछ कहा जा रहा है कि जूम 125 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जो लुक्स, तो वो एकदम ही जूम 110 के तरह ही होने वाला है। मतलब कि अभी के डेट में जिसको भी आप लोग देख रहे होंगे वीडियो के अंदर, तो उस तरीके का ही लुक के साथ जूम 125 जो है तो वो लॉन्च होगा इसी इंडियन मार्केट में, जिसके अंदर आपको जो इंजन है तो वो कुछ चेंज किया हुआ देखने को मिल जाएगा, और हाँ कुछ जो न्यू कलर स्कीम है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा इसी न्यू जूम 125 के अंदर। और हाँ, इसके अलावा ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ड्रम ब्रेक्स के अंदर ये जो जूम है तो इसका एक जो ऑप्शन है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा, और उसके ही साथ डिस्क ब्रेक में जो है तो उसका भी एक जो ऑप्शन है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा जूम 125 में। लेकिन हाँ, जो भी है लेकिन ब्रेक्स के सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कॉम्बी ब्रेकिंग वाला जो सिस्टम है तो वो ही, मतलब ये ड्राम वाले के भी अंदर और डिस्क वाले के भी अंदर। और बाकी तो है ये भी कुछ सीन है कि ये जो जूम 125 के अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा तो वो भी ऑलमोस्ट एलईडी के अंदर होने वाला है। और वैसे तो ये जो जूम 125 के अंदर आपको मीटर कंसोल भी देखने को मिलेगा ना, तो वो भी एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला होने वाला है, जिसके अंदर आपको हीरो का जो कनेक्टिविटी वाला जो ऑप्शन है ना, तो वो भी कुछ देखने को मिल जाएगा। मतलब कि नेविगेशन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है तो वो कुछ देखने को मिलेगा, और कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, मतलब नोटिफिकेशन अलर्ट जो है, तो वो सारा चीजें जो है तो वो भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा तो ये भी कुछ सीन है कि जूम 125 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जो कॉर्नरिंग लाइट्स, तो वो भी। और हाँ, इसके अलावा ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो जूम 125 के अंदर आपको जो ये सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा ना, तो वो भी है ये सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे वन साइडेड वाला जो कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स है, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये भी कुछ सीन है कि ये जूम 125 के अंदर आपको एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो यही है भाई जूम 125 वाला सीन। और हाँ, अभी के डेट में यही कुछ बोला जा रहा है कि इसी 2023 साल के ही अंदर जूम 125 जो है तो वो लॉन्च हो जाएगा। मतलब अभी के डेट में यही कुछ बोला जा रहा है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।